गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे VB.NET एरे। .NET टेक्नोलॉजी में VB.NET और ASP.NET दो लैंग्वेजेस हम सीख रहे हैं, और VB.NET में बेसिक्स देखने के बाद में आज हम एरे को देखेंगे। एरे वैसे तो एक कॉमन चीज़ है सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। एरे का मतलब क्या होता है? जब सेम टाइप के डेटा हैं उनको हम एक से ज़्यादा डेटा को एक साथ स्टोर करते हैं तो वो एरे कहलाता है। एरेज आर यूजिंग फॉर स्टोर सिमिलर डेटा टाइप्स ग्रुपिंग एज ए सिंगल यूनिट। तो सिमिलर डेटा होते हैं एक से ज़्यादा, उनको हम एक यूनिट के अंदर स्टोर कर देते हैं, वो एरे कहलाता है। अब एरे की ज़रूरत क्या पड़ती है? मान लीजिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और क्लास में एक स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए हैं वो दिखाने हैं, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे और प्रिंट कर देंगे मार्क्स कितने आए। लेकिन यदि हमें 10 स्टूडेंट के मार्क्स दिखाने हैं तो फिर क्या करेंगे? तो फिर 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, या फिर 100 स्टूडेंट्स के दिखाने हैं तो 100 वेरिएबल्स। 100 वेरिएबल्स बनाना कितनी मेहनत का काम है। तो हम 100 वेरिएबल्स नहीं बना के क्या करेंगे, एक एरे बना देंगे, और एरे में ये बता देंगे कि इस एरे की साइज़ है कि ये 100 एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। लेकिन शर्त ये है कि जो 100 एलिमेंट्स है वो सेम टाइप के होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ आपने इंटीजर स्टोर कर दिए, कुछ कैरेक्टर कर दिए, कुछ फ्लोट कर दिए, ऐसा नहीं है। या तो सब फ्लोट ही होंगे या कैरेक्टर होंगे या इंटीजर ही, सेम टाइप के होंगे, ये शर्त है। इट इज़ अ फिक्स्ड कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप दैट आर स्टोर्ड कंटिन्यूसली एंड दैट आर एक्सेसिबल बाय एन इंडेक्स। ठीक है, तो एक तो क्या होता है, इसकी जो साइज होती है वो फिक्स होती है। आपने 100 बता दिया तो आप 100 ही स्टोर कर सकते हो, ऐसा नहीं फिर बाद में आपने 105 कर दिया उसमें, ऐसा नहीं है। 100 मैक्सिमम लिमिट हो गई अगर आपने उसकी लिमिट डिसाइड कर दी तो। दूसरी चीज़ है कि जो डेटा स्टोर करेंगे वो एक टाइप के ही होने चाहिए। तीसरी चीज़ है कि इसमें जो स्टोर होते हैं डेटा, जो एलिमेंट्स, वो कंटिन्यूसली होते हैं, लगातार होते हैं, एक के बाद में एक। ठीक है, तो जब आप मेमोरी लोकेशन है उस पर जैसे ही अगली पर जाओगे तो अगला एलिमेंट आ जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशंस पर ये स्टोर होते हैं। वी स्पेसिफाई देयर लेंथ एंड वी कैन इनिशियलाइज एरे विथ डेटा। तो हम इनकी लेंथ है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं और डेटा के साथ एरे को प्रारंभ कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस एरे एलिमेंट्स बाय इट्स न्यूमरिक इंडेक्स। तो इनका जो न्यूमरिक इंडेक्स होता है उसको यूज करके हम उनके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इनका इंडेक्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये आप, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इससे आप समझ सकते हो। देखिए, ऊपर हमने लिखा इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे इक्वल टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस में 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक इंटीजर एरे बनाया है। एरे बनाया किस टाइप का? इंटीजर। तो सिर्फ इंटीजर डेटा ही हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 2, 4, 6, 8, 10 सब इंटीजर हैं। फिर यहाँ पर हमने इसकी साइज नहीं बताई है, हमने डायरेक्टली एलिमेंट से स्टोर कर दिए, तो जितने एलिमेंट थे उतनी इसकी साइज हो गई। अब आप इससे ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें स्टोर नहीं कर सकते, तो इसकी साइज कितनी हो गई, 5 एलिमेंट्स स्टोर हो गए। एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में 2 जो वैल्यू स्टोर हुई है वो कहाँ है, 0 वाली लोकेशन पर। ये 0 क्या है, इंडेक्स। फिर 4, तो जो 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है, डेटा। और 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है, इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स पर 2 स्टोर हो गया, 1 पर 4, 2 पर 6 हो गया, 3 पर 8 और 4 पर 10 हो गया। तो 5 एलिमेंट्स हो गए और इंडेक्स हो गया 0 to 4। इंटीजर एरे को VB.NET में प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे हम,
तो कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं? डिक्लेयर करने का तरीका, डिम तो हम डिक्लेयर करते हैं, या कोई भी वेरिएबल होता है उसको डिम हम लिखते हैं शुरू में। एरे एज इंटीजर इक्वल टू न्यू इंटीजर, और हमने यहाँ पर जो इंडेक्स की अपर वैल्यू है वो दे दी 4। तो 4 यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है इसमें, अपर जो सबसे लास्ट का जो इंडेक्स आएगा वो है, तो 4 है, इसका मतलब ये 5 वैल्यू स्टोर कर सकता है 5। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो 0, एरे 0 वाली लोकेशन पर 2 कर दिया, 1 पर 4, 2 पर 6, 3 पर 8, 4 पर 10। तो इस तरह से 0 टू 4 इंडेक्स हो गए और 2 टू 10 हमारी 5 वैल्यूज हो गई। इन द अबव कोड वी डिक्लेयर एन इंटीजर एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड असाइन द वैल्यू टू एरे इंडेक्स। तो ऊपर का कोड है उसमें हमने 5 एलिमेंट्स हैं, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, उनको हमने स्टोर कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरे का इंडेक्स है वो 0 टू 4 हो गया। वी कैन रिट्रीव दीज वैल्यूज फ्रॉम एरे बाय यूजिंग ए फॉर लूप। अब एरे से हमें वापस उनको रिट्रीव करना है वैल्यूज को, तो एक तो तरीका है कि मैनुअली हम क्या करेंगे, हर एक जो एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स है उसको हम लिखें 0, 1, 2, 3, 4। तो ये बहुत मेहनत वाला काम हो गया। कम मेहनत में करने के लिए हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे और लूप के अंदर एक काउंटर डाल देंगे और काउंटर को हम इनिशियलाइज करते रहेंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज यहाँ से रिट्रीव होती रहेगी। vb.net में कैसे लिखेंगे, पब्लिक क्लास फॉर्म 1। अब ये फॉर्म 1 क्या होता है, जैसे हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे ये अपने आप कोड क्रिएट हो जाता है, क्लास फॉर्म 1 और लास्ट में यहाँ पर एंड क्लास। ये विजुअल स्टूडियो में जैसे हम फॉर्म बनाएंगे ये अपने आप बन जाएगा। फिर हम एक बटन बनाएंगे, बटन बनाएंगे तो बटन के साथ में कोड अपने आप जनरेट होगा, प्राइवेट सब बटन 1_click। पहला बटन बनाए, फॉर्म जैसे पहला बना तो पहला नाम हो गया, बटन पहला बना तो बटन 1 हो गया। और ये जो क्रिएट हुआ है ये फंक्शन वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। अब इसमें जो हम कोड लिखेंगे वो लिखेंगे डिम एरे एज इंटीजर इक्वल टू न्यू इंटीजर 4। ये वही कोड है जो हमने ऊपर देखा है, बिल्कुल वैसा का वैसा कोड लिख देंगे। अब अगर हमें एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन एक ही स्टेटमेंट में करना है तो कैसे करेंगे, डिम एरे एज इंटीजर इक्वल टू न्यू इंटीजर और हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे। तो इस कोड में याद हम देख सकते हैं हमने लेंथ नहीं बताई कि इस एरे की लेंथ कितनी थी, हमने डायरेक्टली एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया है। अगर हमें किसी एरे की लेंथ फाइंड आउट करनी है कि लेंथ कितनी है, तो हम कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, एरे डॉट लेंथ। अब एक स्ट्रिंग एरे, हमने इंटीजर एरे देख लिया, स्ट्रिंग एरे है उसको कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, डिम वीक ब्रैकेट में 6 एज स्ट्रिंग। इसका मतलब डिम तो हम जब भी डिक्लेयर करते हैं कोई भी वेरिएबल तो डिम काम में लेते हैं vb.net में। वीक हमारे एरे का नाम है, यहाँ पर एरे का नाम हमारी मनपसंद का हम कुछ भी दे सकते हैं, वो ब्रैकेट के अंदर 6 दिया है। 6 का मतलब है जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा 6 होगा, और जैसे कि हमें पता है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स, तो 0 से लेके 6 तक मतलब 7 एलिमेंट हम स्टोर करा सकते हैं, तो वीक के 7 दिन इसमें स्टोर कर सकते हैं। और जो नेम होता है वो किस तरह का डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग होता है वो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वीक में 0 वाले इंडेक्स पर संडे स्टोर कर दिया, 1 वाले पर मंडे स्टोर कर दिया। और जो वैल्यूज रिट्रीव करनी है तो वीक 0 पर संडे आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी डे है वो हम रिट्रीव कर सकते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को डालकर। अब यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे कि कैसे हम एक स्ट्रिंग एरे बनाते हैं।
बिल्कुल पहले देखा वैसा ही प्रोग्राम है। एक फॉर्म क्रिएट किया विजुअल स्टूडियो में, तो अपने आप कोड आ गया पब्लिक क्लास फॉर्म वन। फिर एक बटन क्रिएट किया तो प्राइवेट सब बटन वन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अब हमने लिखा डिम आई एज इंटीजर, तो आई हमने क्या लिया, एक काउंटर ले लिया यहाँ पर, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। ये इसका सिंटेक्स होता है डिम आई एज इंटीजर। फिर हमने एक एरे बनाया डिम वीक सिक्स एज स्ट्रिंग, और इसमें हमने अलग अलग डे स्टोर कर दिए, वीक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, संडे से लेके मंडे ट्यूसडे सैटरडे तक। अब हमें वापस इसमें से वैल्यू रिट्रीव करनी है, तो 4 आई इक्वल टू 0 टू वीक डॉट लेंथ माइनस 1। हमने फोर लूप लगा दिया कहाँ से, 0 से लेके उसकी जो लेंथ है माइनस 1 कर दिया लेंथ में से, तो वो लास्ट का इंडेक्स आ गया। लेंथ कितनी है 7, 7 में से एक माइनस कर दिया 6, तो 0 to 6 तक चलेगा और मैसेज बॉक्स में प्रिंट होते जाएंगे वीक आई, आई क्या इंडेक्स है हमारा, तो 0 में संडे मंडे ट्यूसडे ये प्रिंट होते जाएंगे। ये हमारा छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। फिर हम देखते हैं डायनेमिक एरे। अभी हमने जो ऊपर देखे वो स्टेटिक एरे थे, क्यों, हमने वैल्यू है वो पहले से दे दिया, उसकी साइज कि कितने एलिमेंट्स इसमें स्टोर होंगे वो हमने पहले से बता दिया। अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, हमने 7 कर दिया, वीक में 7 दिन होते हैं, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा और ऐड करना तो वो हम नहीं कर पाएंगे। डायनेमिक एरे में क्या होता है कि हम जब हमें ज़रूरत होती है उतनी हम उसकी साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। डायनेमिक एरे आर एरेज दैट कैन बी डायमेंशन एंड रीडायमेंशन एज पर द नीड ऑफ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की जैसी आवश्यकता है वैसे ही हम इसको डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। स्टेटिक में क्या दिक्कत है, आपने 100 साइज दे दी, बाद में पता चला कि उसमें से काम में 50 आ रही है, तो आगे की जो 50 है वो खाली रहेगी और मेमोरी के अंदर स्पेस रिजर्व हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि आप उसको कहीं दूसरी जगह भी काम में नहीं ले पाएंगे, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपने 100 साइज दे दी और बाद में पता चला कि आपको एलिमेंट्स है वो 110 स्टोर कराने हैं, तो वो भी आप नहीं करवा सकते, इसलिए हम डायनेमिक एरे काम में लेते हैं। तो डायनेमिक एरे है उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये हमारे पास सिंटेक्स है री डिम। देखिए नॉर्मली अपन कैसे कर रहे थे स्टेटिक को डिम करके, लेकिन यहाँ पर क्या है री डिम, ब्रैकेट में प्रिजर्व, फिर एरे का नाम और फिर सबस्क्रिप्ट। यहाँ पर प्रिजर्व क्या है, प्रिजर्व है जो पहले से हमारा जो हमने बना दिया है एरे उसमें जो डेटा है उनको प्रिजर्व रखेगा। ऐसा नहीं है कि उसकी साइज चेंज करने के चक्कर में पहला वाला डेटा है वो डिलीट हो गया, पहले वाला बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। एरे नेम तो है, एरे नेम जैसे अपन वीक दिया तो वीक उसका एरे का नेम हो गया। सबस्क्रिप्ट में क्या रहेगा, उसका नया डायमेंशन क्या हम करना चाहते हैं वो नया डायमेंशन आ जाएगा उसमें। मॉड्यूल एरे APL सब मेन, और इसमें हमने एक मार्क्स नाम से एरे बना दिया डिम मार्क्स एज इंटीजर। इसको फिर हमने डायनेमिक एरे बनाया रीडिम करके मार्क टू, इसकी साइज हमने कर दी 2, ऊपर हमने साइज नहीं दी थी, तो मार्क्स 0, 1, 2। जैसे कि हमने किसी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर लिए या फिर किन्हीं 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स कर लिए, तो 85, 75 और 90। फिर क्या करेंगे हम, हमें ज़रूरत पड़ी कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं या 10 सब्जेक्ट के करने हैं, तो जहां हमें 3 स्टोर करने थे वहां पर हमारी आवश्यकता हो गई 10 की। तो अब स्टेटिक के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं था, वहां पर ऐसा नहीं होता, लेकिन यहां पर हम कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रीडिम कर देंगे, रीडिम प्रिजर्व। प्रिजर्व क्या करेगा, पहले वाले अंक को तो प्रिजर्व करके रखेगा, और मार्क्स और उसकी साइज, नई साइज कितनी कर दी 10। तो जहां पर 2 कर रहे थे हम वहां पर हमने कर दी 10, तो ये 11 टोटल वेरिएबल्स को स्टोर कर सकता है। तो आगे हमने 3, 4, 5, 6, 8 जितना हमें ज़रूरत है उतनी वैल्यूज इसमें स्टोर करा ली। फिर फोर लूप करके कॉन्सोल डॉट
राइट लाइन और हमने इनके मार्क्स है वो प्रिंट करवा दिए। और ये जैसा कि हम आउटपुट दे सकते हैं 0 to 10 तक, तो 0 to 10 हो गया 11 एलिमेंट्स टोटल। तो इसमें से हमने क्या किया है, 8 है मार्क्स 8 तक तो 75 है, फिर 9 और 10th जो इंडेक्स है हमारा उस पर कोई भी वैल्यू हमने स्टोर नहीं की है, वो हमारा क्या है, हमने वैल्यू स्टोर नहीं की है, तो वहाँ पर क्या दिखा रहा है, 0। अब ये 0 क्यों दिखा रहा है, जावा और डॉट नेट दोनों में 0 दिखाएगा क्योंकि इनमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। लेकिन यही प्रोग्राम आप सी या सी प्लस प्लस में चलाओगे तो 9th और 10th जो हमारी इंडेक्स है उन पर 0 नहीं दिखाएगा, उन पर कुछ भी रेंडम कुछ भी वैल्यू दिखा सकता है। वो वैल्यू कौन सी होगी, उस मेमोरी लोकेशन पर ये एरे को स्टोर करने से पहले कुछ और कुछ स्टोर किया हुआ था हमारा, तो पुरानी वाली वैल्यूज उस पर स्टोर रहेगी। क्योंकि उनमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं था। अब एरे जो क्लास है हमारी उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको हम एरे के ऊपर लगा सकते हैं, पब्लिक सेड सब क्लियर, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हम पास करेंगे, एरे एज एरे, एक तो एरे को पास करेंगे, इंडेक्स एज इंटीजर और लेंथ एज इंटीजर, तीन पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, पूरा का पूरा एरे पास कर रहे हैं, फिर उसका इंडेक्स पास कर रहे हैं, फिर उसका लेंथ पास कर रहे हैं। ये क्या करेगा, सेट्स ए रेंज ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे टू 0 to false or to null डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टाइप। तो कैसे हमने उसमें एलिमेंट स्टोर कर रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये उनको, अगर हमने इंटीजर स्टोर किया है तो ये क्या करेगा, उनको 0 कर देगा। जैसे इसका नाम है क्लियर, फंक्शन का नाम क्या है, क्लियर, और हम जैसे कि पता है कि फंक्शन को पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर vv.net में सब, और ये किस टाइप का है, पब्लिक और शेयर्ड, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है पब्लिक और शेयर्ड। तो अगर इंटीजर टाइप का एरिया तो सबको 0 कर देगा, फॉल्स किस कंडीशन में करेगा, अगर बूलियन टाइप की वैल्यूज स्टोर की हुई है तो सबको फॉल्स कर देगा, और अगर स्ट्रिंग टाइप की कुछ वैल्यूज उनको नल कर देगा। फिर दूसरा फंक्शन है पब्लिक सेड सब कॉपी, ये क्या काम करने का आता है, कॉपी करने के, तो इसमें सोर्स एरे रहेगा और डेस्टिनेशन एरे रहेगा, दो इसमें पैरामीटर पास करेंगे सोर्स और डेस्टिनेशन, तो ये क्या करेगा, सोर्स से डेस्टिनेशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको पेस्ट कर देगा, जैसे कि हम फोटोकॉपी करते हैं वैसे उसका एक डुप्लीकेट एरे बना देगा। ये कॉपी जो रेंज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे स्टार्टिंग एट द फर्स्ट एलिमेंट एंड पेस्ट देम इनटू अनदर एरे स्टार्टिंग एट द फर्स्ट एलिमेंट, द लेंथ इज स्पेसिफाइड एज ए 32-bit इंटीजर। फिर आता है पब्लिक सब कॉपी टू, इसमें कॉपी टू करेगा एरे एज एरे और इंडेक्स एज इंटीजर, कॉपीज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द करंट वन डायमेंशनल एरे टू द स्पेसिफाइड वन डायमेंशनल एरे स्टार्टिंग एट द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन एरे इंडेक्स, द इंडेक्स इज स्पेसिफाइड एज ए 32-bit इंटीजर। तो एक एरे से वैल्यूज को कॉपी करेगा, दूसरे में कहाँ से स्टार्ट करेगा, जहाँ से उसने इंडेक्स बताया वहाँ से करेगा। पहले हमने देखा उसमें क्या हो रहा था, 0 से चालू किया और 0 से दूसरे में ऐसा कैसा पेस्ट कर दिया, डुप्लीकेट बना दिया, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, जितनी हम इंडेक्स बताएंगे वहाँ से स्टोर, मान लीजिए पहले में 0 से 5 तक है इंडेक्स पर, अब दूसरा है उसमें हम करना चाहते हैं कि 5वें इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, तो वो 5वें से चालू कर देगा उनको। फिर एक गेट लेंथ, इसमें क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं एरे में वो बताएगा, या लेंथ बताएगा एरे की। फिर आता है गेट लॉन्ग लेंथ, इसमें 64-bit इंटीजर रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, तो ये डेटा टाइप चेंज हुआ है, ऊपर इंटीजर था और यहाँ पर लॉन्ग हो गया, बाकी कुछ नहीं है, दोनों में लेंथ ही बता रहा है। गेट लोअर बाउंड,
इसमें क्या करेगा, गेट्स द लोअर बाउंड ऑफ द स्पेसिफाइड डायमेंशन इन द एरे। फिर है गेट टाइप एज टाइप, ये क्या करेगा, गेट्स द टाइप ऑफ करंट इंस्टेंस इनहेरिटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। फिर आता है गेट अपर बाउंड, ये एरे का जो अपर बाउंड है जो स्पेसिफाई किया हुआ है एरे में डायमेंशन वो बताएगा। गेट वैल्यू एज इंडेक्स, इंडेक्स एज इंटीजर, तो इसमें क्या करेगा, जो हमने इंडेक्स दिया है उसके ऊपर जो वैल्यू है वो बता देगा। फिर इंडेक्स ऑफ, तो ऊपर वाले में वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है इंडेक्स पर, और यहाँ पर क्या करेगा, हमने कोई वैल्यू पास की है वो कौन से इंडेक्स पर है वो बताएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि वैल्यूज हैं, वो मान ली हमने एक एरे बनाया 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो दो स्टूडेंट्स के बराबर मार्क्स आ रहे हैं 75 75, तो कौन से वाले का इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो उसका रिटर्न करेगा जो वैल्यू सबसे पहले एकर हो रही है। सबसे पहले मान लीजिए रोल नंबर 50 है उसके भी 75 है, और रोल नंबर 20 है उसके भी 75 है, तो रोल नंबर 20 वाले का जो पहली बार तो 75 वहीं आ रहा ना, आगे तो बाद में आएगा, हम तो जीरो से चालू किया और सबसे पहले जहां पर आया वो वाला इंडेक्स बता देंगे। ठीक है, फिर और भी फंक्शन सर रिवर्स करने का, ये एरे को क्या रिवर्स कर देगा पूरे को। ठीक है, एक तरह से गिनती आप 1 2 3 4 5 100 तक बोलोगे तो इसमें आप उल्टा भी बोल सकते हैं 100 99 98, तो पीछे से स्टार्ट हो जाएगी उसकी वैल्यूज, तो रिवर्स कर देगा पूरे एरे को। सेट वैल्यू, ये क्या करेगा, किसी इंडेक्स पर कोई वैल्यू है उसको सेट करना है तो वो सेट कर देगा, सॉर्ट कर देगा। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करते हैं तो ये सॉर्ट करेगा। ओवर रीडेबल फंक्शन टू स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग, रिटर्न ए स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट द करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने vb.net में एरे देखा, इसमें स्टेटिक एरे हो गया, डायनेमिक एरे हो गया, और एरे के जो फंक्शंस हैं वो हो गए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और रेगुलर वीडियोज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन पर क्लिक करें। आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।